हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। स्टार्ट करते हैं चाइल्ड पेडागोजी सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर टीचिंग एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इस पर फोकस करेंगे खासतौर से उस क्वेश्चन पे जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन पर थोड़ा सा डिटेल पर भी चर्चा की जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो एम पी टेट के पेपर हुए थे लास्ट बार में, ये काफ़ी अनकन्वेंशनल क्वेश्चन आए थे, अपरंपरागत जो क्वेश्चन होते हैं वो आए थे। इसी कड़ी में पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है द फुल फॉर्म ऑफ एस ई एन। ओके, फुल फॉर्म ऑफ एस ई एन, एस ई एन का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है स्पेशल इमोशनल नेगोशिएशन। ओके, सेकंड है सोशल एजुकेशनल नीड्स, स्पेशल एजुकेशनल नीड्स एंड स्पेशल एंड एक्सेप्शनल नीड्स। सर ऑप्शन थर्ड स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। स्पेशल एजुकेशनल नीड्स, देखते हैं इसका आंसर सही है गलत है। एग्जैक्टली बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर इज स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। एस ई एन का फुल फॉर्म है स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नीड फॉर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हैज़ इंक्रीज मेनली बिकॉज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ग्रेड थ्री के लिए बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा जो है ग्रेड थ्री में, उस अलग से एक टॉपिक है। टीचर्स आर मोर इक्विप्ड टू डील विद ओवरऑल डेवलपमेंट। ओके, ऑप्शन में पढ़ दूं, पेरेंट्स हैव नो टाइम फॉर देयर चिल्ड्रन, पेरेंट्स हैव लेस क्वालिफाइड, टीचर्स हैव बेटर क्वालिफिकेशन एंड टीचर्स आर मोर इक्विप्ड विद डील विद ओवरऑल डेवलपमेंट। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, जो कोई भी होता, कोई भी मतलब टीचिंग जो तैयारी नहीं कर रहा शायद वो भी कर लेता है ना, क्योंकि इसका आंसर फोर समझ में आ रहा है। वेरी कॉमन क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। सो टीचर्स आर मोर इक्विप्ड विद डील विद ओवरऑल डेवलपमेंट। चलिए डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पीपल वू आर कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन आर नोन एज बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर। ओके, ऐसे लोग जिन लोगों को आर्थिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है उन्हें एक विशेष विशेष से संबंधित जाना जाता है। एथनिक ग्रुप है, रिलीजन है, क्लास यानी वर्ग है, कास्ट है, जाति है। तो देखिए जाति नहीं हो सकता है, ओके, धर्म नहीं हो सकता है। बात आती है दो चीज़ की, या तो उनको क्लासिफाइड कर दिया जाए या वो एथनिक ग्रुप से उनको जोड़ा जाए। तो बताइए क्या है इसका करेक्ट आंसर? क्लास। एग्जैक्टली, वेरी नाइस आंसर, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। सो क्लास इज द करेक्ट आंसर, इसका 1 मार्क्स जाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। परसेप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर मेथड ऑफ टीचिंग इज डिफरेंट अमंग लर्नर्स बिकॉज, परसेप्शन ऑफ पर्टिकुलर मेथड ऑफ टीचिंग इज डिफरेंट अमंग लर्नर्स बिकॉज, शिक्षण की एक विशेष पद्धति की धारणा शिक्षार्थियों के बीच भिन्न है क्योंकि वे सीखना नहीं चाहते, दे डू नॉट वॉन्ट टू लर्न, दे डोंट लाइक द टॉपिक, उन्हें टॉपिक पसंद नहीं है। परसेप्शन इज डिपेंडेंट ऑन द एनवायरमेंट लर्नर टू एक्यूस्टोम। धारणा शिक्षार्थियों के पर्यावरण पर निर्भर है जिसके आदि हैं, एंड सम ऑफ देम डू नॉट लाइक द टीचर, उनमें से कुछ टीचर को पसंद नहीं करते हैं। ओके, चलिए, शिक्षण की एक विशेष पद्धति मतलब एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टीचिंग है, उसकी धारणा बच्चों के लिए अलग अलग है क्योंकि, ऑप्शन आपने थर्ड का है, बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ओके, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं आंसर सही है कि गलत है। एग्जैक्टली बिल्कुल सही है, परसेप्शन जो होता है बच्चे के पर्यावरण से बनता है कि बच्चा किस पर्यावरण से आ रहा है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए तो ये भी, इसमें भी 1 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक काम कर सकते हैं कि आप लोग जो है अपनी कॉपी में एक टेबल बना सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक वहां लिख लें, और इसमें जितने मार्क्स आते जाएं उतने मार्क्स आप लिखते जाएं, अगर सही है तो 1, गलत है तो 0, ठीक ना, उससे एक कॉन्फिडेंस। सर तो अभी तक तो पूरे आंसर सही निकले ना। हाँ, तो आपके अभी तक 5 हो गए ना, अच्छे 4 हो गए पूरे, बिल्कुल सही है। अभी उसको बना लीजिए आप, है ना, एक कॉन्फिडेंस आएगा आपको उसको देख करके कि हमारी तैयारी कैसी है, ठीक है। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी चेंज दैट अकर्स ड्यूरिंग पबर्टी, यौवन के दौरान होने वाला प्राथमिक परिवर्तन कौन सा है? साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक परिपक्वता, सोशल मेच्योरिटी, सामाजिक परिवर्तन, कॉग्निटिव मेच्योरिटी। ओके, एंड लास्ट है कि सेक्सुअल मेच्योरिटी की, मतलब कौन सी मेच्योरिटी जो है आपके पास में वो आती है। ओके, बताइए, बहुत इजी सवाल है। प्राइमरी चेंजेस मतलब प्राथमिक जो चेंज होते हैं, सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस जो भी एकदम से सामने आ जाते हैं वो कौन से हो सकते हैं? सर शायद ऑप्शन 4 थे क्या? ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं, सेक्सुअल मेच्योरिटी यानी यौन परिपक्वता, करेक्ट आंसर एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
एट वॉट एज दस द न्यू बॉर्न रिकोगनाइज द मदर्स वॉइस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रेड थ्री के लिए, किस उम्र में नवजात शिशु माँ की आवाज़ को पहचान लेता है, मम्मी की आवाज़ को किस उम्र से जो बच्चा होता है वो माँ की आवाज़ को पहचान लेता है। पहला अब बर्थ, जन्म से, एट 3 मंथ, 6 महीने में, ओके, एंड 9 महीने में, ओके सर, एट बर्थ, एट बर्थ, ओके एट बर्थ से माँ की आवाज पहचान लेता है। ये क्वेश्चन मेरे लिए खुद कठिन है, देखते हैं इसका आंसर क्या होना वैसे चाहिए। पहले ही बच्चा पहचानने लगता है माँ की आवाज, ओके अच्छा, प्रीनेटल स्टेज में। प्रीनेटल स्टेज में, बर्थ मतलब बर्थ होने के पहले। यस सर। अच्छा ठीक है, तो आपने इसके बारे में पढ़ा है, बहुत बढ़िया बात है। सो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है बिल्कुल बर्थ, मतलब जन्म से बच्चा माँ की आवाज़ को पहचाने लगता है। अच्छी बात है ये, तो जन्म से ही बच्चा माँ की आवाज़ को पहचान लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। वू वॉज अ डेवलपमेंट थ्योरिस्ट ऑफ मिड 20th सेंचुरी, वू इज़ द बेस्ट नोन फॉर हिज स्पेसिफिक एंड डिटेल थ्योरी ऑफ द चिल्ड्रंस मॉरल डेवलपमेंट। बच्चों के नैतिक विकास के सिद्धांत को डेवलप करने के लिए कौन बढ़िया था। 20वीं शताब्दी के मध्य में एक विकास सिद्धांतकार कौन था जो बच्चों के नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास अपने विशिष्ट और विस्तृत सिद्धांत के लिए जाना जाता है। तो बताइए नैतिकता का सिद्धांत किसने डेवलप किया भाई, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है टीजीटी एग्जाम के लिए, बहुत ही फेमस। सोशल एंड मॉरल डेवलपमेंट शायद कोलवर्गी ने तो करा था। एग्जैक्टली है ना, तो यहाँ पर जो मॉरल डेवलपमेंट है वो थ्योरी है लॉरेंस कोहलबर्ग की। तो करेक्ट आंसर इसका लॉरेंस कोहलबर्ग होना चाहिए, देखते हैं क्या सही है। एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है लॉरेंस कोहलबर्ग, नैतिकता का सिद्धांत, ओके, चिल्ड्रंस मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है ना, लॉरेंस कोहलबर्ग, ठीक है। नेक्स्ट, वो प्रपोज द लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट प्रभाव का नियम किसने प्रतिपादित किया था। बहुत ही सरल सवाल, प्रभाव का नियम, झुंड के झुंड इन्होंने नियम दिए थे, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, सीखने का नियम, कौन थे ये। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्टिवनेस, ओके, लॉ ऑफ इफेक्ट, किसने दिए थे ये नियम, पता है किसी को सर। ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन नंबर 3 थॉर्नडाइक। लेट्स सी, लेट्स चेक द आंसर एंड इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। थॉर्नडाइक ने बहुत सारे नियम दिए थे, उसमें से प्रभाव का नियम एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वू डेवलप द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, किसने पहला बुद्धिमत्ता परीक्षण किया था। भाई बुद्धिमत्ता परीक्षण के बारे में आप लोग जानते होंगे बात, मगर पहला किसने किया था, पहला बुद्धिमत्ता परीक्षण किसने किया था। बिनेट एंड बर्नन, बिनेट एंड सिमोन, गोडार्ड एंड टर्मन एंड गोडार्ड एंड वेचेस्लर। देखिए थोड़ी सी यहाँ पे जो पढ़े होंगे उन्हीं को बनेगा। विडेट, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बुद्धि परीक्षण जब भी आता है तो बिने का नाम तो याद आता ही है, ओके, अल्फ्रेड बिनेट तो है ही, अल्फ्रेड बिनेट तो है ही, और उसके बाद हैं वर्नन, देखते हैं सही है गलत जवाब है, इसे याद कर लीजिए। बिनेट एंड ओ सिमोन इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर 2 है, रॉन्ग हो गया, यहाँ पे 0 मिलेंगे हमें, ओके सो करेक्ट है यहाँ पर बिनेट एंड सिमोन, लिख लीजिए कॉपी में, लिख लीजिए कि पहला जो इंटेलिजेंस टेस्ट परफॉर्म किया था वो बिनेट एंड सिमोन ने परफॉर्म किया था, बर्नन ने परफॉर्म नहीं किया था, यस ओके। और इसमें वो एक फॉर्मूला और आता है बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला, तो आई थिंक स्टर्न या टर्मन किसी ने बनाया था, है ना, बुद्धि लब्धि का सर, वो स्टर्न ने बनाया था, ओके, और टर्मन ने वो IQ टेबल दी थी, ओके, स्टर्न का बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला था, ओके, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100, ये स्टर्न का फॉर्मूला था, क्यों भाई यही है ना सर, पर उसको मॉडिफाई करा था किसी और ने, ओके, और टर्मन ने क्या दी थी, टेबल ली थी, है ना, टेबल दी थी, वो IQ कांस्टेंट की टेबल, यस सर, चलिए सो इसका करेक्ट आंसर है, ओके, इसका आंसर आ गया है बिनेट एंड सिमोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। प्री प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया कैरी आउट थ्रू आंगनवाड़ी सेंटर्स फॉल अंडर द, भारत में आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से दी जाने वाली पूर्व प्राथमिक शिक्षा किसके अंतर्गत आती है। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बिल्कुल सही जवाब है। जो आंगनबाड़ी की सर्विसेस होती हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में आती हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, MP गवर्नमेंट से सपोर्टेड क्वेश्चन है ये, बढ़िया क्वेश्चन।
ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए, आते भी हैं। क्रिटिकल थिंकिंग एज एन एस्पेक्ट ऑफ, गहन चिंतन एक निमन का एक पहलू है। क्रिटिकल थिंकिंग इज एन एस्पेक्ट ऑफ, गहन चिंतन निमन एक पहलू है। इंग्लिश में ही समझिए इस क्वेश्चन को, हिंदी में परेशान कर रहा है। क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो किसका एस्पेक्ट है, बायस का है, रीजनिंग का है, ओके बिलीफ का है, इमोशन का है? क्रिटिकल थिंकिंग, जब आप किसी चीज को क्रिटिकली सोचते हो, कई एंगल से देखते हो, तो आप बेशक रीजनिंग करते हैं, तो यहाँ पर 1 मार्क्स मिलना चाहिए। देखते हैं, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है आपका, 1 मार्क्स विल फॉर यू। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, द जजमेंट ऑफ क्वालिटी टीचिंग डिपेंड्स ऑन, द जजमेंट ऑफ क्वालिटी टीचिंग डिपेंड्स ऑन, ठीक ना, क्वालिटी टीचिंग, शिक्षण की गुणवत्ता का निर्णय निम्न पर निर्भर करता है। शिक्षण की गुणवत्ता का निर्णय किस चीज पर निर्भर करता है, डेवलपिंग अ रिलेशनशिप, रिश्तों को विकसित करने पर, अटेनमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारी की प्राप्ति पर, डिसिप्लिन अनुशासन पर, एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, बताइए। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, एग्जैक्टली, क्वालिटी ऑफ टीचिंग डिपेंड्स ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट, बच्चा कितना ओवरऑल डेवलप कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ओके लेट्स सी द आंसर, करेक्ट आंसर है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। जो क्वालिटी टीचिंग है उसमें ये देखा जाता है कि बच्चा ओवरऑल डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, केवल एक एस्पेक्ट को क्वालिटी टीचिंग में नहीं जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एब्रिवेटेड ऑफ टर्म HDADHD, शब्द ADHD निम्न को, निम्न है, निम्न को दर्शाता है, चलिए बताइए कौन सा डिसऑर्डर है भाई ADHD? सर फर्स्ट अटेंशन डेफिसिट हाइपरसेंसिटिविटी ऑर्डर, इसके बारे में बताइए, क्या जानते हैं आप, ये किस तरीके का डिसऑर्डर होता है बताइए, अटेंशन डेफिसिट हाइपर, इस डिसऑर्डर में जैसे बच्चा है तो वो जैसे वो खेल रहा है, अगर कोई बच्चा तो वो बार बार कहेगा कि मुझे बार बार एक चीज खेलनी है, मतलब वो अपनी चीज अपनी बारी का इंतजार ही नहीं कर पाएगा इस वाले टेस्ट में। ये टेस्ट नहीं है, ये एक प्रकार का डिसऑर्डर है ना, डिसऑर्डर है। हाँ, मतलब बच्चा जो है अति संवेदनशील होगा, बिल्कुल हाइपर एक्टिव टाइप का होगा। यस सर, वो मतलब कोई चीज में अटेंशन नहीं दे पाएगा, अटेंशन नहीं दे पाएगा, बिल्कुल सही नाम है, अटेंशन डेफिसिट, मतलब इसमें ध्यान का अभाव रहता है, एंड हाइपर सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता उसकी बहुत ज्यादा होती है, अति संवेदनशीलता विकार, ADHD, इसको नोट कर लीजिए, ADHD का फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर, नोट कर लीजिए, अटेंशन डेफिसिट हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर, ओके एग्जैक्टली, अटेंशन डेफिसिट हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी, देखिए आपने यहाँ पे गलत बता दिया है भाई, हाइपर सेंसिटिविटी नहीं है, हाइपर एक्टिविटी है, ध्यान अभाव एवं सक्रियता विकार है ये, हाँ गलत है आपका आंसर यहाँ पे, ओके आंसर से पता चला है गलत बताया आपने, यहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी नहीं है, हाइपर एक्टिविटी है, ओके यस हाइपर एक्टिविटी है, चेक करिए इसको, यस इसको चेक करिए, सेकेंड आंसर इसका करेक्ट, यस यस यस, देख लीजिए ऐसी गलतियाँ होती हैं, है ना, हाइपर एक्टिविटी। अब आपने ये चीज बताए थे कि जो बच्चा होगा अपनी बारी का इंतजार नहीं कर पाएगा, मतलब वो जो बच्चा है वो हाइपर एक्टिव है, एग्जैक्टली हाइपर एक्टिव रहेगा, जरूरत से ज्यादा एक्टिव दिखेगा, है ना, मगर उसका ध्यान एक जगह फोकस नहीं होगा, 10 जगह मल्टीपल चीजें सोचेगा ऐसे बच्चे क्लास में, एग्जैक्टली, सो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, हाइपर सेंसिटिविटी मत लगाइएगा, हाइपर एक्टिविटी लगाइएगा, बच्चा हाइपर एक्टिव होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंटरनल फैक्टर ऑफ अटेंशन, निम्नलिखित में से क्या ध्यान का एक आंतरिक कारक नहीं है, मतलब ये कह लीजिए कि ध्यान अवधान का एक पार्ट नहीं है, फर्स्ट रुचि यानी कि इंटरेस्ट, सेकेंड तीव्रता यानी इंटेंसिटी, एंड माइंड सेट एंड मोटिव्स, बताइए इसमें से ध्यान का एक फैक्टर नहीं है, इसमें से कौन सा एक अटेंशन का फैक्टर नहीं है, इंटरनल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर कौन सा नहीं है, बताइए, सभी लोग जवाब दीजिए, अपने अपने माइक ओपन करके जवाब दीजिए,
देखिए, ये देखने में सवाल में जो समझ में आ रहा है कि इंटरेस्ट होने से ध्यान लगता है, बिल्कुल सही बात है। माइंडसेट आपका क्या है किस चीज़ के लिए? जैसे आप मुझसे कहेंगे कि ये भी डिपेंड कर ये रही भी है डिपेंड उसमें। करता है, आप कहेंगे कि एमबीए कर लो तो एमबीए में मेरा माइंडसेट बिल्कुल नहीं, ये भी डिपेंड करता है। प्रेरणा बिल्कुल मोटिवेशन इफेक्ट करता है, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो देखते हैं इसमें क्या सही है। करेक्ट, बिल्कुल पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, करेक्ट आंसर इंटेंसिटी इंटेंसिटी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डिड द कोहलबर्ग फोकस ऑन हिज थ्योरी ऑफ मोरालिटी? तो पहली चीज याद रखिए कि कोहलबर्ग, लॉरेंस कोहलबर्ग, आज ही मैंने बताया था कि नैतिकता का सिद्धांत जो सोशल है एंड मोरल लॉरेंस डेवलपमेंट। सोशल्स एंड मोरल डेवलपमेंट के बारे में लॉरेंस कोहलबर्ग ने बात की थी। ओके, इसमें से किस केंद्र सर निम्नलिखित इनका में से एक वो भी था किस, लिमिटेशन की, इन्होंने लड़कियों के बारे में नहीं बताया था। अच्छा इन्होंने लड़कियों के बारे में नहीं बताया था, चलिए बहुत अच्छा बात बताई आपने। इनका वो एक डिलेमा था, इन्होंने वो बताया था ना, नैतिकता का सिद्धांत दिया था। वो एक एक्सपेरिमेंट भी है, उसकी वाइफ बीमार हो जाती है तो उसको दवाई की जरूरत होती है। अच्छा, सो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डिड कोहलबर्ग फोकस ऑन हिज थ्योरी ऑफ मोरालिटी? मोरालिटी में किस चीज पर ध्यान दिया था? फैमिली इन्फ्लुएंसेस पे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, कल्चर पे, या जेंडर डिफरेंसेस पे? अगर नैतिकता की बात की जाए तो कौन सा ध्यान, किस कारक पर ध्यान ध्यान केंद्रित किया था, किस फैक्टर पर? डन बना, एक मिनट से बता रहे सर, ऑप्शन 2 और 3। ऑप्शन 2 और 3, मतलब बात हो रही है कल्चर की एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। नैतिकता के वैसे ऑप्शन सिद्धांत 2 होना पर, चाहिए। नैतिकता के सिद्धांत पर किस कारक पर ध्यान केंद्रित किया? नैतिकता का सिद्धांत किससे प्रभावित होता है? चलिए देखते हैं। सो करेक्ट इसका आंसर है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यस, मतलब कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास की बात कही थी, है ना। नैतिकता के सिद्धांत का एक जो फैक्टर बताया था कोलबर्ग ने, उस संज्ञानात्मक विकास को बताया था, ठीक है ना। मतलब कि नैतिकता का विकास जो होता है संज्ञानात्मक विकास से प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑब्जेक्टिव ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन? इंपॉर्टेंट है ग्रेड 3 के लिए। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन में, इवेल्युएशन में, इवेल्युएशन याद रखिएगा, एक मूल्यांकन है। ओके, निम्न में से क्या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसमें उद्देश्य नहीं है? नंबर वन, प्लान टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस, शिक्षण अधिगम स्थितियों की योजना तैयार करना, कम्युनिकेट द चाइल्ड प्रोग्रेस टू द डिफरेंट स्टेक होल्डर, बच्चे की प्रगति को विभिन्न हितकारकों प्रगति को विभिन्न हितकारकों को बताना, मैप चेंज इन द चाइल्ड लर्निंग एंड डेवलपमेंट, बच्चे के अधिगम और विकास में परिवर्तनों का मापचित्र बनाना। ओके, मापचित्र बनाना। एंड लास्ट है, इनकलकेट फियर इन माइंड्स ऑफ पीपल सो दैट दे आर एबल टू परफॉर्म बेटर, बच्चों के मन में भय पैदा करना ताकि वे बेहतर प्रदर्शन कर सकें। अब तो ये क्वेश्चन बहुत ही सरल हो गया, जैसे ही चौथा ऑप्शन आया इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। बोलो भाई, एक निगेटिव बात यहाँ पे आ गई है, मतलब वही आंसर है, बच्चे के मन में भय पैदा करना। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्क फैक्टर फॉर ड्रग यूज दैट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू पेरेंट्स? निम्न में से कौन सा ड्रग उपयोग के लिए जोखिम कारक नहीं है, जिसके लिए माता पिता प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराए जाएं? ओके, निम्न में से दिस इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्क फैक्टर फॉर ड्रग यूज? हाँ, मतलब कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज नहीं है जो बच्चा जैसे ड्रग ले रहा है, जिसके लिए माता पिता को प्रत्यक्ष रूप से जो है दोषी ठहरा दिया जाए? ओके, इसमें सर से ऑप्शन 4 जेनेटिक इनहेरिटेंस। चाइल्डहुड नेग्लिजेंस, बाल्यावस्था की लापरवाही, जी हाँ माता पिता जिम्मेदार हैं, दुर्व्यवहार माता पिता जिम्मेदार हो सकते हैं, सहकर्मी अस्वीकरण, पियर रिजेक्शन, पियर रिजेक्शन में वो बच्चा आकर के ड्रग लेने लगता है, तो भला इसमें माता पिता की क्या जिम्मेदारी है भाई?
और अनुवांशिक विरासत, अनुवांशिक विरासत जो है वो उसमें माता पिता की जिम्मेदारी हो सकती है कि नॉट अ माता पिता रिस्पेक्टेड फॉर ड्रग यूज दैट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू एग्जैक्टली पेरेंट्स यस। तो पेरेंट्स से सहकर्मी अगर अस्वीकृत होकर के कोई बच्चा अगर वो ले रहा है, ड्रग वगैरह ले रहा है, तो इसमें इसके मम्मी पापा की कोई जिम्मेदारी नहीं है। करेक्ट नहीं। आंसर, 1 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड रियलाइजेस दैट अ फोर लेग्स एनिमल दैट नीज कैन नॉट फिट इन टू हर एग्जिस्टिंग स्कीमा ऑफ डॉग। ठीक है, द प्रोसेस शी विल अंडरटेक टू फिट दिस न्यू इन्फॉर्मेशन इन टू हर स्कीमास। ये मैंने आपको पढ़ाया था, याद करिए। एक बच्चे को ज्ञात होता है कि चार पैर वाला जो जानवर है जो कि हिनहिनाता है, कुत्ते के मौजूदा आकार में फिट नहीं हो सकता। मतलब बच्चा जो है ये दिखता है कि चार पैर वाला जानवर है, उसने पहले कुत्ता को देखा था, मगर कुत्ता हिनहिना नहीं सकता है, इसका मतलब वो कुत्ता नहीं है। इस जानकारी को फिट करने के लिए वह कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा? फर्स्ट, एसिमिलेशन, डिस इक्विलिब्रेशन, डिसइक्विलिब्रियम में सर वो आ जाएगा, लेकिन डिसइक्विलिब्रेशन का मतलब असंतुलन है भाई, असंतुलन जैसी कोई बात नहीं है। अकोमोडेशन मतलब समायोजन, एसिमिलेशन सर मतलब इसका कि आंसर आत्मसात। एसिमिलेशन है, नहीं ऑप्शन थर्ड। नहीं होगा एसिमिलेशन, एसिमिलेशन मतलब कोई नई चीज को जा करके अपने परमानेंटली बिल्कुल एकदम नई नई चीज को जा करके सेट करना, आत्मसात करना होता है एसिमिलेशन। जबकि उसे ये पता तो है कि चार पैर का जानवर है, मतलब कोई ना कोई जानवर कुत्ते जैसा है। अब उसमें थोड़ी सी नॉलेज को वो चेंज कर रहा है कि कुत्ते के आकार का तो है मगर हिन हिन आ रहा है, इसका मतलब कुत्ता नहीं है, कुछ और है। तो इसका आंसर जो होना चाहिए एकोमोडेशन बनना चाहिए। एसिमिलेशन तो नई जानकारी को अपने अंदर लेना होता है, सो मे बी आंसर एकोमोडेशन होगा। करेक्ट आंसर इज एकोमोडेशन। समझ में आया? यस सर। जानकारी का समायोजन हो रहा है यहाँ पे। यस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ चाइल्ड फाइंड्स इट हार्ड टू रिकॉल द हिंदी लेटर्स ही लर्न फॉर डेज एग्जाम बिकॉज ऑफ द कन्नाडा कन्नड एग्जाम ही रोट यस्टरडे। वॉट इज द फिनोमेनन नोन एज। एक बच्चे को आज परीक्षा के लिए याद किए गए हिंदी अक्षरों को स्मरण करना उसके द्वारा कल लिखे गए कन्नड़ परीक्षा के कारण कठिन लगता है, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? मतलब आप एक चीज़ पढ़ लेते हो, दूसरी वजह से दूसरी चीज़ आपको कठिन लगने लगती है। ओके, अ चाइल्ड फाइंड्स दैट, एक बच्चा है, एक बच्चे को आज की परीक्षा के याद किए गए हिंदी अक्षरों को स्मरण करना उसके द्वारा कल सीखे गए कन्नड़ परीक्षा के कारण कठिन लगता है, इस घटना को किस चीज से जाना जाता है? फर्स्ट, रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस मतलब कि पृष्ठोन्मुखी अवरोध, देन इसके बाद है रेट्रोग्रेड इंटरफेरेंस प्रतिगामी अवरोध, एंटरोग्रेड इंटरफेरेंस अग्रगामी अवरोध, एंड प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस यानी अग्रोन्मुखी। अब चारों ऑप्शन देख करके आंसर का पता लगा सकते हैं, है ना, कि ये किस प्रकार का अवरोध है, पीछे के कर्मों का फल आज प्रकट हो रहा है इस तरीके की बात करी जा रही है यहाँ पे, तो ये किस प्रकार का है? मैं भी थर्ड कह रहे हैं आप, अग्रगामी एंटेरोग्रेड इंटरफेरेंस। अच्छा, देखिए यहां पे ऐसा नहीं लग रहा है कि बच्चा जो ऑलरेडी कुछ नॉलेज ले करके आया है, क्योंकि उसको कन्नड़ का नॉलेज है, मतलब बच्चा जो ऑलरेडी प्रोएक्टिव है, हाँ या ना? यस। सो मे बी इसका आंसर प्रोएक्टिव से जुड़ा होना चाहिए, अग्रोन्मुखी अवरोध, बच्चा पहले से ही कुछ नॉलेज लेकर के आया है। सो करेक्ट आंसर लिख लीजिए इसका, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है ज्योति? Yes, प्रोएक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 वेरी इंपॉर्टेंट भाई, क्योंकि वाइगोत्स्की की बात हो रही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू द वाइगोत्स्की चाइल्ड्स लैंग्वेज एंड थॉट डेवलप। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे की भाषा और विचार विकसित करते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की चाइल्ड्स लैंग्वेज एंड थॉट डेवलप, बच्चे की भाषा और विचार क्या विकसित करते हैं? चलिए देखिए, इंडिपेंडेंटली इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर्स देन मर्ज,
इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर देन मर्ज, एक दूसरे से स्वतंत्र होकर बाद में आपस में सम्मिलित हो जाते हैं. सेकेंड, इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से स्वतंत्र. थर्ड, यूनिवर्सली अक्रॉस द कल्चर, सभी संस्कृतियों पर समानता से विकसित करते हैं. टुगेदर एज अ चाइल्ड ग्रोस, बच्चे के विकास के साथ. क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, लिखे जो भाषा है क्वेश्चन की बड़ी उटपटांग दी हुई है. अकॉर्डिंग टू द वाइगोत्स्की, चाइल्ड्स लैंग्वेज एंड थॉट डेवलप, बच्चे की जो भाषा है और जो विचार हैं वो क्या डेवलप करते हैं. बताइए, वाइगोत्स्की के अनुसार जो है बच्चों की लैंग्वेज और उनका जो थॉट है, जो विचार है, वो क्या डेवलप करता है. समझ में आया नहीं आया ज्योति? नॉट क्लियर सर, थोड़ा अभी हमने क्वेश्चन ही नहीं देखा. देखिए, निशा आप बताइए क्या है, क्या लग रहा आपको? सर, समाज और संस्कृति की बात होना चाहिए. टुगेदर एज चाइल्ड ग्रो, टुगेदर एज चाइल्ड ग्रोज, मतलब जैसे जैसे बच्चा बढ़ता होगा तो उसकी चाइल्ड लैंग्वेज और थॉट जो है दोनों एक साथ बढ़ते होंगे. बच्चे की भाषा और विचार किस चीज को विकसित करते हैं, यहां ये पूछा गया है. क्या विकसित करते हैं? टुगेदर एज चाइल्ड ग्रोज, बच्चे की भाषा और विचार. थर्ड हो सकता है सर. थर्ड, यूनिवर्सली अक्रॉस द कल्चर. चलिए देखते हैं आंसर क्या है. करेक्ट आंसर है इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर देन मर्ज, एक दूसरे से स्वतंत्र होकर बाद में आपस में सम्मिलित हो जाते हैं, ये डेवलप करता है इसका वाइगोत्स्की के अनुसार. समाज और संस्कृति की बात वाइगोत्स्की करते हैं ना? तो करते तो हैं, बिल्कुल की बात करते हैं. सोशल लर्निंग थ्योरी उन्होंने दी है, ठीक है ना? मगर उन्होंने इस बात को ऐसे कहा है कि बच्चों का जो विकास होता है वो इंडिपेंडेंटली होता है, समाज के रूप में देखा जाए तो बच्चे जो है इंडिपेंडेंटली सामाजिक रूप से बढ़ते हैं, बाद में उन सभी चीजों में अपने आप को मर्ज कर लिया करते हैं, ठीक ना, एकीकृत हो जाते हैं बच्चे. तो यहाँ पे ये बात पूछी गई है कि एक दूसरे से स्वतंत्र होकर बाद में आपस में सम्मिलित हो जाते हैं, ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 21, पेरेंट्स वो हैव लॉट ऑफ रूल्स बट सपोर्ट देयर चिल्ड्रन टू फॉलो द रूल्स आर अडहेरिंग टू, ठीक है ना. द जो माता पिता बहुत सारे नियम बनाते हैं लेकिन अपने बच्चों को नियमों का पालन करने में सहायता करते हैं, पालन करने के लिए सहायता करते हैं, वो किस रूल का अनुसरण करते हैं, कौन से नियम का अनुसरण कहते हैं. पहला है यूनी इन्वॉल्व पेरेंटिंग, प्रेमिसिव पेरेंटिंग, परमिसिव पेरेंटिंग, ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग, ओके एंड सॉरी पहला यूनी इन्वॉल्व हो गया मैं, अन इन्वॉल्व पेरेंटिंग, अशब्द पालन पोषण, असंबद्ध पालन पोषण, परमिसिव यानी कि अनुमोदक पालन पोषण, अथॉरिटेटिव यानी आधिकारिक पालन पोषण, और दूसरा है अधिकारवादी पालन पोषण यानी अथॉरिटोरियन. सर ऑप्शन सेकंड, परमिसिव पेरेंटिंग. अच्छा, आपका ये कहना है परमिसिव पेरेंटिंग, कहीं से मेरे को देख करके परमिसिव पेरेंटिंग लग नहीं रही है. परमिसिव पेरेंटिंग ऐसा है कि बच्चे ने बोली भैया कार दे दो, पापा ने कही हाँ ले जा बेटा, वो है परमिसिव पेरेंटिंग. असंबद्ध मतलब कि तुम कुछ करते रहो हमें तुम्हें मतलब नहीं, तुम कार क्या ट्रक चलाओ हमसे कोई मतलब नहीं है. तो पहला वाला तो है नहीं है, दूसरा वाला मुझे नहीं लग रहा है. अब बात करती है अथॉरिटेटिव यानी आधिकारिक पालन पोषण, और दूसरा है ऑथोटोरियन यानी अधिकारवादी. ऑथोटोरियन का मतलब हो जाएगा एकदम से
अधिकार थोपने टाइप की बात है। तो ये मुझे लग रहा है ऑथोरिटी मतलब आधिकारिक पालन पोषण, कि बच्चे को नियम बना रहे हैं और खुद भी उस नियम को पालन कर रहे हैं और बच्चे को भी सिखा रहे हैं, मतलब एक तरीके से आधिकारिक बड़ा लीगल टाइप का काम चल रहा है घर में। समझ में आया? जी सर। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग, बिल्कुल ही आधिकारिक पालन पोषण। नोट कर लीजिए ये आधिकारिक पालन पोषण है, बन जाएगा। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। सीटेट वाली पेडागोगी नहीं आती है क्या एमपीटेट में? सीटेट क्यों नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी ना, एमपीटेट में पेडागोजी आएगी, हर सब्जेक्ट की पेडागोजी आएगी। आपका ईवीएस की पेडागोजी, ईवीएस दोगे ईवीएस रहेगा तो ईवीएस की नहीं, पेडागोजी सीटेट की, सीटेट टाइप आती है ना सर, सीटेट में इजी आती है थोड़ी। सीटेट की पेडागोजी इजी रहेगी, इसकी थोड़ी टफ रहेगी, यस ठीक यही। है ना। सीटेट सीटेट की पेडागोजी आपने देखी होगी, प्योरली बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल बेस होती है, मतलब उसमें ये फील करो कि आप क्लास में बैठे हो, है ना। यस सर हाँ, सीटेट में प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ही ज़्यादा बच्चों को यस सर समझने वाले, है ना। यहाँ पे रटने वाले क्वेश्चन, पिछले पेपर देखो आपको कई सारे क्वेश्चन रटने वाले आए हैं, है ना। जी सर। ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स इज द डिजायर टू एक्ट एंड मूव टूवर्ड्स द गोल। कार्य करने, इसमें से क्या कार्य करने की और कार्य करने और लक्ष्य की ओर बढ़ने की इच्छा है? मोटिवेशन बढ़ने की इच्छा है, दृढ़ता, प्रिजर्वेंस, प्रिजर्वेरेंस। यस सर। मोटिवेशन इज द डिजायर टू एक्ट एंड मूव टूवर्ड्स अ गोल। ओके, डायरेक्टली मोटिवेशन की परिभाषा ही है क्या ये? सर ये है, पढ़ी है, मोटिवेशन इज द डिजायर टू एक्ट एंड मूव टूवर्ड्स अ गोल। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि मोटिवेशन जो होता है, प्रेरणा का मतलब है कार्य करने और लक्ष्य की ओर बढ़ने की इच्छा, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। करेक्ट आंसर है मोटिवेशन, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ कैटेगराइजेशन, वर्गीकरण इन द लर्निंग। निम्नलिखित सिद्धांतकार में से कौन अधिगम की प्रक्रिया में वर्गीकरण के महत्व पर जोर देते हैं? कोहलर, बंडूरा, बर्नर और कौन है ये, पावलाव। मतलब वर्गीकरण की बात, अधिगम की प्रक्रिया में वर्गीकरण के महत्व पर जोर किसने दिया कि चीज़ों को क्लासिफाई करके, सेग्रीगेट करके, वर्गीकरण करके करिए, वो टोल्ड दिस। अधिगम की प्रक्रिया में वर्गीकरण के महत्वपूर्ण जोड़, अब भैया जो याद करके आया होगा उसी को बनेगा ये क्वेश्चन। वर्गीकरण की बात किसने करी? चलिए कुछ तुक्का मारिए क्या होगा। अधिगम का सिद्धांत। एक तो दिया नहीं, कई लोगों ने दिया है। यस सर। मगर अधिगम के सिद्धांत में वर्गीकरण पर बात किसने करी कि ग्रुप्स बनाए जाएं? बंडूरा कह रहे हैं आप? बेंचुरा चलिए नहीं कह रहा चलिए, है, हैं सोशल लर्निंग थ्योरी है ना उनकी तो। हाँ, बंडूरा की कौन सी थ्योरी? सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी ठीक है, जो ऑब्जर्व करते हैं मॉडल्स वगैरह को सर, पर इसका ऑप्शन हमें भी नहीं पता, अभी तीन पढ़ी नहीं है थ्योरी। चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बर्नर। ओके, नोट कर लीजिए, मतलब अधिगम की प्रक्रिया में क्लासिफिकेशन की जो बात कही है वो बर्नर ने कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग इन साइंस इनकरेजेस लर्नर्स स्पेसिफिक हैबिट्स ऑफ माइंड, विच ऑफ दीज ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब सम ऑफ द गाइडलाइंस फॉर प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। विज्ञान में समस्या आधारित शिक्षा जो है विद्यार्थियों की मन की वैज्ञानिक आदतों को प्रोत्साहित करती है, इनमें से कौन सा विकल्प समस्या आधारित सिद्धांत को सीखने के कुछ दिशा निर्देशों का उचित वर्णन करता है? इसमें से कौन सा विकल्प समस्या आधारित सिद्धांत सीखने के कुछ दिशा सर निर्देशों का उचित वर्णन करता है? बोलिए। सर ये जो है ना ब्रूनर्स ब्लूम टैक्सोनॉमी, ये थोड़ा एक बार आप बता देना बाद में। बेंजामिन ब्लूम वाली टैक्सोनॉमी, यस सर। चलिए ठीक है, इसको करा देंगे, ठीक है ना। ब्लूम टैक्सोनॉमी का मेरा एक वीडियो बना हुआ है इसके पहले, उसको भी देख सकते हो आप, अच्छा वो यूट्यूब पे डला हुआ है, टैक्सोनॉमी मैंने उसमें यस सर, पढ़ाई है, यूट्यूब पर देख लेंगे। ठीक है।
और मैथ पेडागोजी और एसएसटी पेडागोजी के भी वीडियो उसी में है। रीडिंग तो देखते हैं, विज्ञान में समस्या आधारित प्रश्न शिक्षार्थियों के मन में वैज्ञानिक आत्तों को प्रोत्साहित करती है। इनमें से कौन सा विकल्प समस्या आधारित सिद्धांत को सीखने के निर्देशा निर्देशों का उचित वर्णन करता है? मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो समस्या आधारित जो निर्देश हैं उनको देंगे, यहाँ पे दिखाएंगे। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, पढ़ना, सीखना, सुनना, भैया ये कोई समस्या निर्धारित वाली बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। सेकेंड है थिंकिंग अप आइडियाज यूजिंग मल्टीमीडिया, मेकिंग वेरिएबल्स, मल्टीमीडिया का उपयोग करके चर बनाकर विचारों को समझना। थर्ड है प्रश्न पूछना, एक परिकल्पना का निर्माण करना, बार बार परीक्षण करना। और फोर्थ है डिस्कशन, चर्चा। और फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स, निश्चित संख्या में परीक्षण। एंड कोऑपरेटिव लर्निंग, सहकारी शिक्षण। तो बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या है? थर्ड आस्किंग क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन पूछना एक तरीके से वैज्ञानिक हो जाता है, वैज्ञानिक तरीका हो जाता है। कंस्ट्रक्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना का निर्माण करना। एंड रिपीटेड ट्रायल्स, और बार बार परीक्षण करना। देखते हैं क्या है इसका आंसर एग्जैक्टली। विज्ञान की तरफ से क्वेश्चन है, ओके। ये थिंकिंग अप, सॉरी, थर्ड वाला सही है, बिल्कुल थर्ड वाला, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अपरेटस यूज फॉर मेजरिंग द स्पैन ऑफ अटेंशन, अवधान विस्तृति, यानी कि कितने देर तक एक चीज में आप जो है ध्यान लगाए जा सकते हो। अवधान विस्तृति को नापने के लिए कौन सा प्रयुक्त किया जाता है यंत्र, कौन सा यंत्र प्रयोग करेंगे? फर्स्ट टचिस्टोस्कोप, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, एपाइडोस्कोप। अरे भैया तीन तो वैसे ही कट गए, खेल खत्म हो गया, तीन का तो एक बच गया, समझ में आ गया। देखिए माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी होता है, टेलीस्कोप दूरदर्शी होता है, एपाइडोस्कोप जो होता है वो चलचित्र टाइप का कुछ होता है, ओके, एपाइडोस्कोप। तो ये तीनों तो हो नहीं सकते, तो एक ही आंसर बता अपने पास, टेचिस्टोस्कोप। लिख लीजिए कि इस स्पैम ऑफ अटेंशन, अवधान की विस्तृति को नापने के लिए टेचिस्टोस्कोप का यूज किया जाता है, ठीक है? इड ईगो, इड ईगो, सुपर ईगो। हाँ बेटा स्वाति, इस क्वेश्चन को आप बताइए, ज्योति आपने पढ़ा ये क्वेश्चन। इड ईगो सुपर ईगो इस फोर्थ बाई, पहचान अहम परा अहम, निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किए गए? मास्लो, पावलाव, युग, फ्रायड। सर फ्रायड, फ्रायड फ्रायड सर। ओके, क्या था क्या, हाँ तो क्या था ये, थोड़ा इसके बारे में बताइए, क्या थे ये इड ईगो सुपर ईगो, क्या थे? सर इन्होंने तीन को क्लासिफाई कर, ये भैया बता रहे हैं। हाँ बताइए, चलिए आप बताइए पहले। चेतन मन और अचेतन मन। तो इड का मतलब क्या होता है जानकारी सर? दोनों में कंफ्यूजन। सर इड में जो है बच्चे को बहुत ज्यादा एग्रेसिव नेचर का होता है, उसको बहुत क्रोध टाइप का आता है। इड, ईगो क्या है सर आप बताइए? सही है, आंसर देख लेते हैं। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल मेरे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैंने आप लोगों से जानना चाहा, मुझे लगा कि आपकी डिटेल होगी इसकी। थ्योरेटिकल ज़्यादा डिटेल मेरे पास नहीं है, मगर इड ईगो और सुपर ईगो के जो कंसेप्ट लाए थे वो सिगमंड फ्राइड ने लाए थे, बिल्कुल सही है आंसर आप लोग का, करेक्ट आंसर है फ्राइड, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, प्रेरणा के सिद्धांत। द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन स्टेट्स दैट, ठीक है ना, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा का सिद्धांत तो है मगर हिंदी में देखिए प्रश्न पूरा नहीं है। एक्सपेक्टेंसी का मतलब तो यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है, सीधे थ्योरी सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत की बात कर दी है। तो ये क्वेश्चन इंग्लिश वालों का सही हुआ होगा, हिंदी वालों को गलत हुआ होगा। द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन स्टेट्स दैट फर्स्ट, पीपल आर मोटिवेटेड टू डू थिंग्स ड्यू टू एक्सटर्नल रिवार्ड, मतलब जो पुरस्कार से व्यक्ति कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। सेकेंड, देयर इज अ हायरार्की ऑफ नीड्स इन इंडिविजुअल, इन ईच इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति में जरूरतों का एक पदानुक्रम होता है। देयर इज ए डिजायर इन ए पर्सन टू बिकम वॉट ही इज कैपेबलिंग टू बिकमिंग, किसी व्यक्ति में वह बनने की इच्छा होती है जो वह बनने में सक्षम है। मोटिवेशन डिपेंड्स ऑन डेजरेबिलिटी ऑफ आउटकम, अभिप्रेरणा परिणाम की इच्छा पर निर्भर करता है, अभिप्रेरणा परिणाम की इच्छा पर निर्भर करता है। तो बताना है आपको कि मोटिवेशन से रिलेटेड कौन सा सही है, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या कहती है?
फोर्थ, मोटिवेशन डिपेंड्स ऑन द डेजरेबिलिटी ऑफ द आउटकम. ओके, यस देखिए दो ही टर्म है जहां पर मोटिवेशन की बात की जा रही है, एक तो ये है और एक ये, बाकी इन दोनों में मोटिवेशन की बात नहीं हो रही है. क्योंकि पीपल आर मोटिवेटेड टू डू थिंग्स ड्यू टू एक्सटर्नल रिवर्ड्स, जो लोग हैं वो बाहरी रिवर्ड से ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अंदरूनी भी मोटिवेशन जो है काम हुआ करता है. ओके, तो इसका आंसर फोर्थ होना चाहिए, मोटिवेशन डिपेंड्स ऑन डेजिरेबिलिटी ऑफ आउटकम्स. चलिए फोर्थ करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. कैंसल हो गया एक क्वेश्चन. विच अमंग द फीस साइकोलॉजिस्ट हैव डेवलप्ड अ थ्योरी फॉर पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन टू डायमेंशन, इंट्रोवेंशन एंड एक्सट्रोवेंशन. किन इन बैन मनोवैज्ञानिक में से किसने दो आयामों, अंतर्मुखी और बहुमुखी के आधार पर व्यक्तित्व का विकास सिद्धांत, व्यक्तित्व का एक सिद्धांत विकसित किया है? ओके, इसमें से किसने जो है व्यक्तित्व का एक सिद्धांत विकसित किया है? दो आयाम, बहु अंतर्मुखी और बहुमुखी के आधार पर व्यक्तित्व का सिद्धांत किसने विकसित किया है? कॉल जाऊं ओके, कार्ल जुंग ने, कह रहे हैं आपकी व्यक्तित्व का सिद्धांत विकसित किया है. यस सर, सही है, यस सही है, हम काल जी कार्ल जुंग ने किया है. चलिए देखते हैं काल, आंसर क्या है. यस सर, ये देखिए आंसर इसका हैंस आइसेंक दिया हुआ है. गलत हो गया इसका भी था ना सर कुछ, हाँ ये तो सर कभी पढ़ा ही नहीं है, हैंस आई आई स्नैक चलिए जरा देखिए इसको, आई स्नैक देखिए इसको एक एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, जरा इसको देख, सर्च करिए आप लोग, इसको ऐसे सर्च करिए, डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनैलिटी थ्योरी बेस्ड ऑन टू डायमेंशन, इंट्रोवर्शन एंड एक्सट्रोवर्शन. हाँ, इंट्रोवर्शन एंड एक्सट्रोवर्शन कंसेप्ट डालिए. अगर आप बात करें इंट्रोवर्शन एंड एक्सट्रोवर्शन कंसेप्ट की, तो इस पर बात करते हैं. इंट्रोवर्शन एंड एक्सट्रोवर्शन कंसेप्ट डेवलपमेंट थ्योरी. सर, द टर्म इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रावर्जन वर इंट्रोड्यूस इनटू साइकोलॉजी बाय कार्ल जंग, हाँ ऑल्दो तो इन्हीं ने तो करा है सर ये ओके, तो इसी इस इंट्रोवर्जन, इसी इसीलिए ये गलत हो गया क्वेश्चन. ओके, ये इसीलिए इसको कैंसिल कर दिया गया है कि इसका आंसर हैंस आइसिंक नहीं है, इसका आंसर कार्ल जुंग है, ठीक ना? इसीलिए ये यस सर, क्वेश्चन कैंसिल हो गया एग्जाम में, ठीक ना? यस क्योंकि इसका आंसर जो मार्किंग हुई थी गलत हो गई थी, तो करेक्ट आंसर इसका जो है कार्ल जुंग नहीं, कार्ल जुंग ही है, ठीक? सर, इसका बोनस मिलता है क्या? ये कैंसिल हो गए थे, क्वेश्चन ही कैंसिल हो गए थे, मतलब पेपर उतने मार्क्स का लेस हो गया था. यस सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर इस देखते पर हैं. बहुत कंपटीशन है, पर 11 लाख लोग, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भाई साहब, कंपटीशन और बढ़ते जा उसमें रहा है. 50% तो पास आउट भी नहीं कर पाएंगे, आप वो मत देखिए हाँ ये भी है, बहुत सारे लोग बाई चॉइस फॉर्म भरते हैं ऐसे ही, है ना? टीचिंग. सीटेट का रिजल्ट 70, सर क्या बात है, सेवन सीटेट का. सीटेट का रिजल्ट जो है 17-18% ही रहता है, आपने रेशियो देखा होगा, कितने अच्छा लोग फिलहाल इंडिया से फॉर्म फिल करते हैं, यस सर सर वो भी पढ़ाई, सर 28 या 1 मार्च को आने वाला है, ओके ओके यस ओके, सर, चलिए ठीक है. खैर सीटेट को तो खैर एमपी से कोई मतलब है ही नहीं, एमपी के एजुकेशन में सीटेट मानता है ही नहीं है कोई, है ना? यस सर, हाँ सर इनका तो अलग से ही हमें टेस्ट हमारा होगा. स्कोर मालूम चले ना सर हाँ हम ये वेट कर है, रहे हैं, हाँ सीटेट, सीटेट इजी होता है, निकल जाता है ऑलमोस्ट, मतलब सीटेट ऐसे लोगों का नहीं निकलता है, जैसे कि जो, जैसे अपने जो वीकर एरियाज है ना, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, ये लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में देते भी हैं और इनकी बेसिक एजुकेशन थोड़ी ख़राब होती है गाँव तरफ के लोगों की, तो यस इसलिए, सर, इसलिए बाकी सर ऑलमोस्ट. हमने निकाल रखा है लेकिन फिर से डबल में डाला है सर, कितने अच्छा, ठीक है, तैयारी होती रहती है उससे. मार्क्स थे आपके पहले? 98, अच्छा सही है, चलिए. टीचिंग इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम इज अ चैलेंज फॉर द टीचर्स एंड डिमांड सस्टेन. जो इंक्लूसिव समावेशी कक्षा में पढ़ाना शिक्षकों के लिए एक चुनौती है, इसमें निश्चित रूप से किस चीज की आवश्यकता है? हैबिट्स की, टैलेंट की, हैबिट्स यानी प्रवृत्ति की, टैलेंट यानी प्रतिभा की, एक्सपर्टाइज यानी दक्षता की, एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस यानी अभ्यास की. बताइए एक एक समावेशी कक्षा को पढ़ाने के लिए आपको क्या होना चाहिए?
आपकी हैबिट होनी चाहिए, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, आपकी एक्सपर्टाइज होनी चाहिए या आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। बड़ा कठिन क्वेश्चन दे दिया भाई, चारों आंसर। टैलेंट और दक्षता एक्सपर्टाइज था सेकेंड और थर्ड, होना चाहिए। दक्षता होनी चाहिए सर। एक्सपर्टाइज, प्रैक्टिस, प्रवृत्ति, टैलेंट, क्या लग रहा है? देखिए यहाँ पे एक्सपर्टाइज का मतलब जो होता है एफिशिएंसी से निकल रहा है कि आप एफिशिएंट हो उस क्लास में पढ़ाने के लिए कि नहीं हो, ठीक ना? यस तो इन चारों ऑप्शन में अब देखिए टैलेंट जो है वो रिलेटेड यहाँ पे नहीं होगा एक इंक्लूसिव क्लासरूम से, क्योंकि टैलेंट किसी पर्टिकुलर चीज़ पे आएगा। देखते हैं इसका आंसर क्या है, बड़ा ही कठिन सवाल हो गया। क्या लग रहा है आप लोग को आंसर, प्रैक्टिस या फिर एक्सपर्टाइज? ऑप्शन थर्ड चलिए एक्सपर्टाइज। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर एक्सपर्टाइज है, मतलब दक्षता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, फॉलोइंग इज फाउंड टू बी इफेक्टिव एट अचीविंग कॉन्सेप्चुअल चेंज। इनको वैचारिक परिवर्तन प्राप्त करने में प्रभावी पाया गया है, कौन सी चीज़ को वैचारिक परिवर्तन प्राप्त करने में प्रभावी पाया गया है? फर्स्ट, पाठ आधारित अध्ययन प्रणाली, रीडिंग टेक्सचुअल मटेरियल्स, लैब यानी कि प्रयोगशाला, डिस्कवरी लर्निंग अधिगम यानी कि ह्यूरिस्टिक मेथड, डिस्कवरी अधिगम, ओके, एंड डिटेक्टिंग एन एनोमली, विसंगति का पता लगाना, कौन सी चीज़ जो है विचार में परिवर्तन में सहायक है, प्रभावी पाया गया है? डिस्कवरी लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग। रीडिंग टेक्सचुअल मटेरियल, चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है इसका। इसका करेक्ट आंसर है डिटेक्टिंग एन एनोमली, विसंगति का डिटेक्टिंग। पता लगाने से, जो आपका विसंगति का पता लगाने से वैचारिक परिवर्तन प्राप्त करने में सहायता मिलेगी, वैचारिक परिवर्तन को प्राप्त करने में प्रभावी पाया गया है किसको? टू डिटेक्ट द एनोमली, विसंगति का पता लगाना। ठीक है, यस चलिए तो इस क्लास को अब यहीं पर आज फिनिश करते हैं, ठीक ना? और नेक्स्ट क्लास का जब भी मैसेज आएगा तो आप लोग जुड़िएगा। थैंक यू। यस।